बच्चों सारे सत श्रीकाल, सारे का स्वागत। थोड़े नाल तुहाडी माता पिता बैठे ने, उन्हां दा स्वागत। तुहाडी छोटी तो वड्डे भैण भरा, तुहाडे दोस्त मित्र जिहड़े इस वीडियो तक पहुँचे ने, उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। और सब तो वध सत्कारित मेरे अध्यापक साथी जिन्हां दी बदौलत तुसीं वीडियो देख रहे हो, उन्हां दी मेहनत सदका ये वीडियो तुहाडे तक पहुँची है, उन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत है। दिल दी गहराइयां तो मैं परमात्मा तो अरदास करता हूँ कि तुसी सारे ही बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। इस पैनाडेमिक सिचुएशन दे विच घरों च बैठ के इत्थे पढ़ाई कर रहे हो, उत्थे नाल दी नाल ही अपना ते दूसरों का बचाव भी कर रहे हो। प्यारे बच्चों, गणित विषय दे विच असीं पिछली वीडियो दे विच तुहानूं याद होएगा असीं संख्यावां उपर कार्ज कर रहे सी। इह संख्यावां की हुंदियां ने, संख्यावां नूं असीं समझिया सी। समझण तों बाद संख्यावां नूं समझण लई हुण दो तरीके जिहड़े पिछले वीडियो च मैं तुहानूं दस्से सी। पहला तरीका, पहली विधि जिहड़ी है वह गिणतारे दी है, उहनूं मैं विस्तार नाल तुहानूं समझाया सी। अज बच्चे असीं उस लड़ी के तहत अगे संख्यावां नूं रुपयां दे विच करंसी नोटां दे विच समझणा, इस बारे गल करांगे। बेटा संख्यावां गिणती नूं कहिंदे ने, डिजिट्स नूं कहिंदे ने। संख्यावां कोई उपरों आया होया शब्द नहीं है, संख्यावां रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच तुसीं वरतदे हो। जिवें मैं सत दिन तों अपने घर दे विच पाठ कर रहा हाँ, मैं पाँच दिन तों यह कर रहा हाँ, मैं पिछले 10 साल तो पढ़ाई कर रहा हाँ, ये सारी गल्लां संख्यावां विच आउंदियां ने। साडे घर इन्ने किलो खंड आई है, इन्ने असीं रुपए दुकानदार नूं दित्ते, इन्ने मीटर कपड़ा आया इन्ने रुपए दित्ते। कोई भी वस्तु असीं खरीदिया उहनां दा रुपयां दे विच लैण देण हुंदा है। और प्यारे बच्चों, रुपयां दे विच संख्यावां नूं समझणा होर भी आसान हो जांदा जिन्नी देर तक वह रुपए 1 रुपए तो शुरू नहीं होंदे। 1 रुपए तो थले दीआं संख्यावां जिहड़ियां ने, 1 रुपए तो थले दे जिहड़े सॉरी सिक्के ने, उन्हां सिक्कियां दा भी साढ़े इस गणित दे विषय ते बड़ा महत्व है, क्योंकि उन्हां नूं असीं पढ़ांगे हिस्सियां दे विच, पिन्नां दे विच, प्रतिशत दे विच जदों असीं अगलियां वड्डियां क्लासां करांगे। लेकिन इसे 5वीं जमात दे विच असीं पिन्नां करांगे, 4वीं जमात च वी कीतियां सी, उस तुहानूं भली भांत पता लग जाएगा कि संख्यावां दा किन्ना महत्व है। और 1 रुपए तो थले दीआं जिहड़ियां ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 1, 2, 100, 10,000, 1,00,000 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਪੈੱਨ ਕੱਢੋ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਫ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 21,132 ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ 21,000 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1, 2 ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, 10,000, 1,00,000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21,132 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,313 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ
सानू सारे बच्चों को पता है, तुम बच्चे सियाने हो, क्योंकि पंजवीं जमात है कि 2000 रुपए का नोट जिहड़ा है वह साडे को मौजूद है। सब तो पहला तुम्हें पता होना चाहिए बच्चो कि साडे को किहड़े किहड़े नोट मौजूद ने जिन्हां नाल असीं संख्यावां दे उपर कार्ज करांगे। सब तो पहला तो 1 रुपए का नोट है जिहड़ा कि हुण लुप्त है, नहीं मिलता। फिर 2 रुपए का नोट है, वह भी तकरीबन लुप्त है, नज़र नहीं आता। लेकिन इन्हां दोवां दे सिक्के साडे को मौजूद ने। उस तो बाद 5 रुपए का नोट है जिहड़ा कि वह भी दुर्लभ है, हुण नज़र ही नहीं पैंदा, बहुत घट नज़र आता है, लेकिन 5 रुपए का सिक्का साडे को मौजूद है। इस तो बाद 10 रुपए का नोट है, आम सानू मिल जाता, लेकिन 10 रुपए का सिक्का भी सानू मिल जाता। इस तो बाद 20 रुपए का नोट है, वह भी तुसीं देखिया। फिर 50 रुपए का नोट है, वह भी तुसीं आम देखते हो। 100 रुपए का नोट आम तुसीं देखते हो। उस तो बाद 200 रुपए का नोट भी है साडे कोल, वह भी असीं देखते हैं। फिर 500 रुपए का नोट देखते हैं, क्योंकि 1000 का नोट जिहड़ा सी खत्म हो गया सी। उस तो बाद 2000 का नोट जिहड़ा है वह असीं देखते हैं। सो ये साडे कोल नोट ने बेटा, और इन करंसी नोटों की मदद नाल जिहड़ा है असीं संख्यावां ते कार्ज करांगे। पूरे गणित विषय के पंजवीं जमात के काफ़ी साडा सहाई होएगा, क्योंकि ज्यों ज्यों असीं करंसी नोटों की मदद नाल संख्यावां उपर कार्ज करांगे, साडी जिहड़ी समझ है वह पकेरी हुंदी जाएगी, असीं साडा समझण दा दायरा वधदा जाएगा। और रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच जदों असीं इहनां दी गल करांगे तां असीं वेखांगे कि प्रैक्टिकली अनुभव दे नाल असीं इहनां ते कार्ज किन्ना सौखे तरीके नाल कर सकते हैं जदों असीं इहनां नूं समझ लवांगे। सो आओ हुण तुहाडे सामने है कि 21132 जिहड़ा है वह संख्यावां किवें बणियां ने। मैं थोड़ा जिहा होर नेड़े कर लवां। हुण देखो 20 ते 21 हुंदा है, ठीक है ना बेटा। और 21000 क्या उन्होंने असी किन्ने हज़ार लैने ने, 21000 लैने ने, क्योंकि 10000 तक संख्या साडी गई है। सो देखो 10 नोट लए ने 2000 दे, जो असी 10 नोट दो हज़ार दे लवांगे तो बच्चों तुहानू पता है ये बन जाएंगे 20000। ठीक है ना। और सानू चाहिए किन्ने दसा सी उन्होंने उपर 21132। हुण 20000 साढ़े को आ गए, उस तो बाद 500 रुपए के दो नोट लवेंगे तो 1000 बन जाएगा, टोटल बन जाएंगे 21000, क्योंकि 20000 दो दे 10 नोट 2000 दे असी ले सी तो 20000 बने सी। दो नोट 500 रुपए के लवेंगे तो 21000 बन जाएगा। उस तो बाद है 132, और 132 जिहड़ा बेटा बनाउणा है बड़ा आसान है, क्योंकि 132 रुपए बनाने ने। 100 का नोट असीं लवेंगे जिहड़ा कि उन्होंने लिया होया, और हुण 30 लवेंगे, 3 नोट 10-10 दे लवेंगे, तो 2 रुपए का सिक्का जां 1-1 रुपए के नोट जिहड़े 2 लै लवेंगे। इस तरह ही बेटा अगली संख्या है, किन्नी आसान है संख्यावां नूं समझणा, इहदे नाल किन्ना आसान हो जांदा। इस तो अगली संख्या देखो उन्होंने बनाई हुई है, संख्या सी 11313, और तुसीं देख रहे हो कि 11313 जिहड़ा है किन्नी आसानी नाल उन्होंने 5 नोट 2000 दे लए 10000 बनिया, फिर 2 नोट 500 रुपए दे लए 1000 बन गया, इस तो बाद 300, फिर 10 ते फिर 3। इस तरह संख्या जिहड़ी है पूरी होगी। हुण बेटा इन्हां दा महत्व की है साडियां संख्यावां दा, संख्यावां दे विच करंसी नोटां दा, क्योंकि करंसी नोटां नाल साडी समझ जिहड़ी है वो होर पकेरी हो जाती है, पक्की हो जाती है, कि सानू एक विधि मिल जाती है कि करंसी नोटां दे नाल जां रोज़मर्रा दे जिहड़े नोट ने साडे कोल, पैसे ने, रुपए ने, उन्हां नाल असीं संख्यावां नूं जोड़ के समझ आसानी नाल अपने मन दे विच पकेरी कर सकते हाँ, पक्की कर सकते हाँ कि संख्यावां दा रूप वक्खरा नहीं है, यही सब कुछ जिहड़ा है रोज़मर्रा दी जिंदगी 'च असीं वरतदे हाँ उही हुंदा। हुण बेटा अगे है अगेतर पिछेतर संख्यावां दे नाल जाण पछाण करना, ठीक है बेटा। हुण अगेतर ते पिछेतर संख्यावां की हुंदियां ने ये सारे बच्चों नूं पता, जिवें अध्यापक जिहड़े ने इत्थे कह रहे ने कि भारत कदों आज़ाद होया सी, तां एक बच्चे ने आंसर दिता 1947।
सो आजाद भारत की आज़ादी के साल तो पहला साल कौन सी हुण इह पिछत्तर संख्या पूछी जा रही है क्योंकि भारत की आज़ादी का साल 1947 सी सो उस तो पहला साल कौन सा होगा 1946 यह समझ पैदा करना अगेत्र अते पिछत्तर की यह अगेत्र की समझ है इस तरह ही बेटा आज़ादी तो एक साल बाद कौन साल सी 1948 सी इहदे विच एक बड़ा सिंपल फार्मूला है बेटा जदों पिछत्तर संख्या पूछी जाए एक घटा देईदा जदों अगेत्र संख्या पूछी जाए एक जोड़ देईदा हुण एक की संख्या नूं जोड़ांगे अगेत्र बन जाएगा एक की संख्या नूं घटावांगे तो पिछत्तर बन जाएगा हुण बेटा इस तों अगे यही फार्मूला दस्सिया गया जिहड़ा मैं तुहानूं दो शब्दां ही दस्सदा अगेत्र किवें कढ़ना पिछत्तर किवें कढ़ना वह सारे सवालों के बेटा इत्थे दस्सिया गया देखो एक जोड़ांगे 1970 बन गया एक घटावांगे तो 1468 बन गया 1470 जिहड़ा है एक जोड़िया बन गया यही चीज़ है जदों भी अगेत्र पूछा जाए तो एक की संख्या नूं जोड़ लेना है पिछत्तर पूछा जाए तो एक संख्या घटा लेनी है आई होप बच्चों तुहानूं चंगी तरह जिहड़ी है करंसी नोटां नाल किवें जिहड़ी है समझ पैदा की जा सकती है संख्यावां नूं किवें समझा जा सकता है तुसीं नोट कर लिया होगा हुण इस तों बाद बेटा असीं अभ्यास एक दी एक जिहड़ी है साडी चल पई है इस नूं असीं शुरू करना है मैं तुहानूं इह काम घर वास्ते दे रहा हाँ सवाल नंबर एक अते सवाल नंबर दो चलो सवाल नंबर एक ही तुसीं करना स्थानक मूल जिहड़ा है आपां विस्थार नाल करांगे और तुसीं सवाल नंबर एक जिहड़ा है सारा जिहदे विच ए बी सी ते डी चार सवाल ने इन्हां नूं शब्दां च भी लिखना ठीक है क्योंकि थले दिते हुए शब्दां च लिखांगे मैनूं आस है कि सारे बच्चों ने चंगी तरह इन्हां करंसी नोटां की समझ पैदा कर ली होएगी कि करंसी नोटां दे नाल किवें जिहड़ा है वो असीं संख्यावां नूं वरत सकते हाँ समझ सकते हाँ अज बेटा इत्थों तक ही अगली वीडियो तो आपां अभ्यास एक दी एक तों जिहड़ा है वो टॉपिक शुरू करांगे मैनूं आशा है कि सारे बच्चों ने अज की वीडियो तो चंगी सिक्ख्या ग्रहण की होएगी करंसी नोटों बारे और किवें संख्यावां दे नाल इन्हां लागू करना है रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच किवें ढाल के इस चीज़ नूं सीख सकते हैं सारे बच्चों ने समझ लिया होएगा अगली वीडियो च फिर मिलांगे अपना ध्यान रखियो अपने तो ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो आले दुआले की सफाई रखो अपनी सफाई रखो हत्थां की सफाई रखो स्वच्छ ते नरम खाना खाओ कोसा पानी पियो हाँ परमात्मा का नाम लेना कभी ना भुलो बेटा अगली वीडियो में मिलांगे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद सारे सत श्री अकाल।